Let's start painting. We need material, some sketch pens, scale and pencil and drawing copy. सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी drawing copy पर एक border line हम draw करेंगे pencil से. तो हम बिल्कुल जो side corners है उसे थोड़ा सा हम white line छोड़ देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक line draw कर रहे हैं. मैं आप लोग पेंसिल से करेंगे पहले, उसके बाद स्केच पेन से. मैं डायरेक्ट स्केच पेन से कर रही हूँ ड्रॉ यहाँ पर लाइंस. ऐसे आपको स्केच पेन से लाइन ड्रॉ करनी है. स्केच पेन से चारों तरफ हम ड्राइंग बॉर्डर फाइल में बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे. तो देखिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ स्केल की हेल्प से, आप सब भी कीजिए. उसके बाद हम हाफ इंच का बॉर्डर अंदर की साइड बनाएंगे इनर साइड में, और हाफ इंच आप स्केल से मेजरमेंट लेके थोड़ा थोड़ा दूर पे डॉट पॉइंट लगा लेंगे, जिससे कि हमारी लाइन एकदम इक्वल आए. ड्रॉ इक्वल बॉर्डर. ये बॉर्डर भी हमें अपने पेपर पे चारों तरफ कंप्लीट करना है, लाइक दैट. इसके बाद ये देखिए कंप्लीट हो गया है. इसके बाद एक और पैरेलल लाइन अंदर की साइड में बना रही हूँ. बहुत सुंदर सुंदर बॉर्डर डिज़ाइंस वर्ली पेंटिंग में बनाए जाते थे, तो और वो बहुत इजी भी होते थे, बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि वर्ली आर्ट अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंप्लिसिटी लिए हुए है, बहुत ही सरल है और आप इंजॉय करेंगे. ये देखिए मैं एक बॉर्डर डिज़ाइन बना रही हूँ पेंसिल की हेल्प से, और इसमें ज़्यादातर मोस्टली जो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ हुए हैं पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करने में. ये मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया पेंसिल्स की हेल्प से, और अब आप इसमें भी डबल लाइन करेंगे और उसके अंदर वाला पार्ट जो है उसको कलर से फिल करेंगे. यहाँ पे ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, ये डिज़ाइन भी हम अपने बॉर्डर पे कंप्लीट कर लेंगे फोर साइड्स में, और उसके बाद हम इसे स्केच पेन से फिल करेंगे. कंप्लीट करने के बाद देखिए स्केच पेन से फिल किया है मैंने. ब्राउन कलर ही मैं यूज़ कर रही हूँ, एक ही कलर मैं यूज़ करूँगी. आप अपना फेवरेट कोई भी कलर ले सकते हैं, ब्राउन, रेड, ब्लैक, ब्लू. ये देखिए हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है. अब जो हमारा ब्लैंक स्पेस है उसमें हम फिगर्स ड्रॉ करेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, जो हमारी फिगर्स हैं वो ट्राइंगल एंड सर्कल शेप से मिलकर बनी हैं. तो 1.5 इंच का मैं अपर पार्ट ले रही हूँ ट्राइंगल का, और 3 फिगर्स मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, और आप लोग भी 3 फिगर्स ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे हम एक 2 म्यूजिशियन और एक डांसर बनाएंगे. बहुत इजी है. तो देखिए एक तो सबसे इजी तरीका है ट्राइंगल बनाने का कि आप जितना भी ऊपर ले रहे हैं उसका सेंटर लेके एक सेंटर लाइन क्लिक कर ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद सेंटर लाइन में आपका ट्राइंगल कम्प्लीट हो ऐसे नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करके हम दोनों ट्राइंगल्स को ज्वाइन करेंगे. वर्ली पेंटिंग की ये सबसे बड़ी खासियत है कि सारी फिगर्स, लाइक ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर्स, बर्ड फिगर्स, ऑल आर मेड विथ ट्राइंगल्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, और बहुत इजी हैं. कलर फिल करना भी बहुत इजी है. देखिए अब हम इनके जो हैंड्स ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए सिंपली एक सिंपल लाइन का यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमारे हैंड्स में जॉइंट्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे, और ये देखिए मैं ये एक जो फिगर बना रही हूँ, इस फिगर को एक म्यूजिशियन ने जो कि एक ढोलक बजा रहे हैं, तो उनके हाथ में हमने ढोलक दी है. शेप आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पेंसिल लाइटली यूज़ कीजिए ताकि रेज करने के बाद आपके पेपर पे मार्क्स ना आए. ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल फिगर्स हैं ये, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो. एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज कर देंगे
ही से, क्योंकि बॉडी का ये वाला पार्ट हमारे ढोलक के पीछे छिप गया है। अब अगर हमें इसको फीमेल फिगर बनाना हो तो हम यहाँ पे एक जूड़ा, एक बन बना देंगे। वर्ली पेंटिंग में स्पेशली मेल और फीमेल फिगर्स को डिफरेंट डिफरेंट दिखाने के लिए बन का यूज़ किया गया, जूड़ा बनाया गया है उनके पर। हेयर स्टाइल से ही पता चल जाएगा कि ये लेडी फिगर है, फीमेल फिगर है और ये मेल फिगर है। देन हम नेक्स्ट फिगर बना रहे हैं, इसको भी हमने टू ट्राइंगल्स ज्वाइन किए और सर्कल से उसका हेड बनाएंगे। और उसको हम डांसिंग फॉर्म में बना रहे हैं तो एक हाथ नीचे है एंड अदर इज अप साइड, देखिए ऊपर की ओर है और वो डांसिंग फॉर्म में है। कि जो हमने लेग्स बनाई हैं उनको भी थोड़ा रिदम दी है, मोमेंट दिखाया है। ये हमारी फिगर हो गई और इसमें भी हमने हेड बना दिया, बस एक सिंपल सर्कल और हमारा हेड कंप्लीट। देन थर्ड फिगर इज आल्सो ए म्यूजिशियन फिगर, जिसमें वो एक बाजा, एक पाइप को बजा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इधर की साइड उनको हैंड्स की पोजीशन बना सकते हैं या फिर अदर साइड। अब क्योंकि इधर स्पेस कम है तो हम अदर साइड बना रहे हैं। ये हमने हेड बना दिया है और यहाँ से हम हैंड, क्योंकि वो एक बाजे को बजा रहे हैं तो साइड में उन्होंने कर रखा है। और ये हमने एक सिंपल बाजा बना दिया जो कि मोस्टली वर्ली पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडिंग पोजीशन में है और बहुत ही सिंपल लाइंस, ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू हम ये पेंटिंग कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारी फिगर्स बनके तैयार हो गई हैं। अब हम कलर करेंगे। कलर में मैंने जो ब्राउन कलर मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ वही एक कलर ले रही हूँ और यहाँ हमने आउटलाइन की और फिर इनको फिल करना होता है। दैट इज नेक्स्ट वेरी सिंपल स्टेप टू कलरिंग ए वर्ली पेंटिंग, ओनली फिल द कलर्स इन होल फिगर्स। हमें पूरी फिगर को कलर से फिल करना है, कंप्लीट करना है फिल करके। तो जितनी ये सिंपल होती हैं उतनी ही अट्रैक्टिव होती हैं इन दिस कंटेम्प्रेरी सिनेरियो। आज के टाइम में वर्ली पेंटिंग्स आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगी, लाइक क्लोथ्स पे, साड़ी क्लोथ्स में जैसे साड़ीज पे, सूट्स पे, बेडशीट्स पे, कुशन कवर्स पे, और इसके अलावा पॉट्स, बॉटल और आपका फर्नीचर, कैनवास पेंटिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मैनी आइटम्स आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर वर्ली पेंटिंग्स इस समय की जाती है। और ये बहुत ही पॉपुलर और डिमांडिंग एक आर्ट है जिसका यूज़ आर्टिस्ट आज के टाइम में मनी अर्न करने के लिए भी करें, मतलब इसका मार्केटाइजेशंस भी हो गया है कि हम इसे एज अ अर्निंग रिसोर्स भी यूज़ कर रहे हैं अपनी आर्ट को। तो ये देखिए हम कलर फिल कर रहे हैं, हमने ढोलक में थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है और इसको भी हम फिल कर देंगे बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल एंड अट्रैक्टिव पेंटिंग। आप बहुत धीरे धीरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और आराम से इन कलर्स को फिल करेंगे। उसके बाद हम के आप चाहें तो स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं लेग्स और हैंड्स को बनाने के लिए। ऐसे ही हम इन टू कलर फिगर्स में कर लेंगे ड्राइंग। ये देखिए हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, हमारी फिगर्स भी कंप्लीट हो गई हैं, कलर मैंने कर दिया है। आप सब ऐसे ही अपनी पेंटिंग कंप्लीट करेंगे, आप चाहें तो फिगर्स और भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।